आज से ठीक दो महीना पहले यानी 10 मई को, आज 10 जुलाई है और दो महीना पहले 10 मई को इसी गंगा में सैकड़ों लाशें तैर रही थी और तब पूरे उस पूरे समय में बक्सर चर्चा में रहा क्योंकि इसी गंगा में सैकड़ों लाशें तैर रही थी। और शुरुआत के दौर में आपको बता दें कि चूंकि सामने का जो एरिया दिख रहा है वो गाजीपुर है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्टेट है और हम जो खड़े हैं वो बिहार में खड़े हैं, बिहार का बक्सर जिला है। और जब सैकड़ों लाशें यहाँ पर तैर रही थी तो उस समय खींचातानी चल रहा था कि वो जो लाशें थी, जो डेड बॉडी थी, वो बिहार सरकार की है यानी बक्सर जिले की है या फिर सामने वाला जो जिला है गाजीपुर की। और इसको लेकर के जो प्रशासन था वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे थे कि वो जो लाशें थी वो देश की लाशें थी, वो भारत के रहने वाले लोगों की लाशें थी, किसी भी लाश को बॉर्डर से नहीं बांट सकते हैं, ये सवाल उठा था। और इसी वजह से वो पूरा जो मसला पूरा जो था वो पूरे देश में वो खबर बना था कि जो डेड बॉडी है उसको लेकर के सरकारें आपस में खींचातानी कैसे कर सकती है क्योंकि मरने वाले जो थे सभी के सभी हिंदुस्तानी थे। और उस समय जो बड़ा सवाल उठ रहा था कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो लाशें हैं वो कहाँ से आई, क्योंकि आम दिनों में इस तरीके से सैकड़ों लाशें नहीं तैर रही थी। दौर पैंडेमिक का था, आपको पता होगा कि कोरोना का दूसरा काल चल रहा था और उस दौर जिस तरीके से सरकार फेल्यूअर थी, क्योंकि आप देख सकते थे किस तरीके से सरकारी अस्पताल थे वो खचाखच भरे थे, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग परेशान थे, लोग मर रहे थे। और जब ये सैकड़ों लाशें यहाँ पे तैरी तो पूरे बक्सर को लेकर के पूरा मीडिया जगत में खबर किया गया और कई तरह की खबर आ रही थी। जो लोग खबरें कर रहे थे शुरू में ये बताया गया कि यहाँ पे सैकड़ों लाशें हैं जिनकी कोविड से डेथ हो गई है, लेकिन वहीं जो प्रशासन थी वो इस कोशिश में लगी थी कि सारे मरने वाले लोग वो बिहार के नहीं हैं, वो बक्सर ज़िले के नहीं, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ये कोशिश कर रही थी कि इसको बक्सर का बता दिया जाए। इंटरनेशनल मीडिया में इस रिपोर्ट को किया गया तब सरकार का नज़र ध्यान पे पड़ा और सरकार ने यह फैसला किया कि जितनी भी लाशें हैं चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो सभी लाशों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यही एरिया है महादेवा घाट पे है जहाँ पे यहीं से लाशें निकाली गई और सभी लाशें को यहीं पर विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। एक काम और हुआ था, वो काम ये हुआ था कि लोगों का कहना था कि ये जिस तरीके से लाश है इसका पता कैसे चलेगा कि लोग कोरोना से मरे हैं या आम बीमारी से मरे या किसी और कारण से मरे हैं। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन ने एक फैसला लिया कि सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम इसलिए कराया गया ताकि पता चल सके कि मरने वाले का कारण क्या है, लोगों की मृत्यु क्यों हुई है, इस कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया गया ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगाया जा सके कि मरने वाले जो लोग हैं वो कोरोना से उनकी डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हुई है या कोई अन्य कारण है। आपको हम बता दें कि ठीक दो महीना बाद हम लोग इस जगह पर हैं और इस रिपोर्ट के बारे में आपको जिक्र करेंगे जिस रिपोर्ट की सरकार बात कर रही थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डॉक्टर की एक टीम बनी थी और टीम ने पोस्टमार्टम की। जो टीम थी उसके डॉक्टर का कहना है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी जांच नहीं किया गया है कि मरने का कारण क्या है। 81 किया गया था और पोस्टमार्टम 4 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा किया गया सिविल सर्जन के उपस्थिति में। क्या सर रिपोर्ट आया है उसका? देखिए, हम लोग जो पोस्टमार्टम किए उसमें जो लाशें थी 81 वो हाईली डिकम्पोज्ड थी, बिल्कुल सड़ी गली अवस्था में थी, जिसके चलते हम और हमारे सहयोगी डॉक्टर हम लोग उस लाश को न तो वो इतनी सड़ी गली अवस्था में थी वो लाशें कि न तो उससे आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता था, पहचान किया जा सकता था किसकी है और न हम लोग वो मृत्यु किस कारण से हुई उस कारण को भी हम लोग बताने में असमर्थ हैं, लाश के सड़ी गली अवस्था के कारण, और ये भी बताने में असमर्थ हैं कि वो उसकी मृत्यु कितना देर पूर्व हुई है। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट पता नहीं चला है कि मरने का कारण क्या रहा है, लोगों की मृत्यु क्यों हुई है यह नहीं बताया जा सका है और ना ही उनका डीएनए जांच हो पाया है कि कौन लोग थे, कहां के लोग थे, उनका कोई रिपोर्ट नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें तो उस पोस्टमार्टम का कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। सरकार उस समय जिस तरीके से दबाव में आकर के पोस्टमार्टम कराई, सब कुछ किया, लेकिन पोस्टमार्टम का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब का साफ साफ कहना है कि पोस्टमार्टम करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें कि ये गंगा नदी में उस समय लगभग 70-80 लाश थी और अभी तक रीज़न नहीं पता चल पाया। ज़्यादा तक मीडिया का ये रिपोर्ट ये मानना था कि बहुत सारे लोग जो कोविड में जिनकी डेथ हो रही थी वो घर न ले जाकर के सीधे बॉडी को यहाँ फेंक दे रहे थे। तो
तो एक मामला ये हो सकता है कि कोविड से मरने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। जब रिपोर्ट नहीं है तो हम उसका जांच नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन एक सवाल बनता है, सवाल ये कि बक्सर जिला में 123 लोगों को मृत्यु बताया गया है, बक्सर जिला में कोरोना से मरने वालों की संख्या 123 बताया गया है, जिसको लेकर हम न केवल बक्सर जिला की बात करें, पूरे स्टेट लेवल पे कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इतना कम संख्या कैसे हो सकता है। जिस तरीके से अफरा तफरी थी, जिस तरीके से लोगों की डेथ हो रही थी, कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ा छुपाना चाह रही है। जो सरकार पहले दावा कर रही थी कि मरने वालों को, कोविड से मरने वालों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, इसके खिलाफ सरकार खुद कोर्ट में जाती है और डाटा कम बताती है और कहती है कि मुआवजा देना मुश्किल होगा। लेकिन कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि नहीं, मुआवजा देना पड़ेगा और सही आंकड़ा भी बताना पड़ेगा। इसलिए जो सामाजिक स्तर से लोग हैं, वो अगर उनकी माने या फिर जो लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो ये आंकड़ा बिहार सरकार पेश कर रही है, जो बक्सर प्रशासन पेश कर रही है, इसमें 10 से 15 गुना इजाफा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 60-70 लाश, यही अगर 50 भी मान लेते हैं कि वो लोग यहाँ पे थे, और ये एक समय की बात है, 10 मई की बात है, लेकिन इस तरीके से हर दिन हम लोग खुद शमशान घाट पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। और आप खोलकर देखिएगा जनमित्र पे, एक वीडियो आपको दिख जाएगा कि हम खुद दिखा रहे थे कि 70 से 80 डेड बॉडी जलाए जा रहे थे बक्सर के शमशान घाट पर, सिर्फ एक शमशान घाट पर। यह बक्सर जिला का दूसरा शमशान घाट है, महादेवा घाट। तो एक जगह शमशान घाट पर अगर 60 से 70 डेड बॉडी जल रही थी, जो आम दिनों में मात्र 20 से 25 लोगों की डेथ हो रही थी और 20 से 25 लोगों की डेड बॉडी को अंतिम क्रिया किया जा रहा था, लेकिन हमने दिखाया था कि हर दिन 60 से 70 लोगों की डेथ हो रही थी, जो एक तरफ कहां 25 और एक तरफ 60-70, यानी 2 से 2.5 गुना जो वृद्धि हुई थी, वो कौन लोग थे, वो मरने वाले कौन लोग थे, सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है, या ऐसा कोई लोग नहीं है जिनके जान पहचान के लोग, जिनके परिचित के लोग, एक दो लोगों की डेथ न हुई है। सरकार के पास जो आंकड़ा है, वही आंकड़ा है जो सरकारी अस्पताल में लोग भर्ती थे वहाँ से रिकॉर्ड मेंशन किया गया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में डेथ हो जाती थी उनका कोई रिपोर्ट नहीं है। हम खुद आपको बता दें कि कई हमारे परिचित लोग जो थे वो प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती थे, और प्राइवेट क्लिनिक में सरकारों ने एक मापदंड तय कर रखा था, एक फी तय कर रखा था, मूल्य रेट तय कर रखा था। इसीलिए प्राइवेट क्लिनिक वाले लोग जो कोविड पॉजिटिव थे उनको निगेटिव दिखाते थे, क्योंकि अगर पॉजिटिव बताया जाएगा तो सरकार से जो पैसा मिलेगा उसका रेट कम होगा। तो अगर वो निगेटिव दिखाते तो प्राइवेट रूप से मनमाने तरीके से पैसा कमा सकते थे। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार प्रशासन से इसकी सूचना भी दी गई, प्रशासन लगातार कोशिश करती रही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जारी रही। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बक्सर जिला में हमको लगता है कि 400 से 500 के करीब लोग कोरोना की डेथ हुई होगी। ये मेरा मानना नहीं है, जो सामाजिक तौर पर काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अगर सरकार 100 कह रही है तो 500 से ऊपर का आंकड़ा हो सकता है। इसका कोई ऑफिशियल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन आप आम आदमी होकर के आप अगर खुद पता करिएगा, खुद पता लगाइएगा, सोचिएगा, तो आपके जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनको उसी तरह के सिम्टम्स आते थे जो कोविड में बताए जाते थे। सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जो सबका जांच कर सके। लोग परेशान होते थे, अस्पताल जाते थे, और कई बार लोगों की डेथ हो जाती थी, उनका रिपोर्ट तक नहीं आता था। तो इस दौर में ये पता लगाना कि कितने लोगों की कोविड से मौत हुई है, सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती ही नहीं है कि लोगों को मुआवजा दिया जाए और आंकड़ा पेश किया जाए। अगर हम कहना यही चाहते थे कि जिस रिपोर्ट का इंतजार बक्सर के लोग कर रहे थे उसका इंतजार खत्म हो गया है, और मिला क्या? 0। क्योंकि रिपोर्ट जो है उसमें साफ साफ बताया गया है कि कुछ भी नहीं है, उनका मरने का क्या कारण है ये नहीं बताया गया, तो पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब रहा? उस समय तो बहुत सारा सरकार पे सवाल उठाया गया, बहुत सारे रिपोर्ट किए गए, सरकार की किरकिरी जरूर हुई, लेकिन सरकार बचने के लिए पोस्टमार्टम का सहारा लिया। सरकार बचने के लिए पोस्टमार्टम का सहारा लेती है कि पोस्टमार्टम में बताएंगे कि मरने वालों का कारण क्या है, लेकिन आज पोस्टमार्टम का रिपोर्ट साफ साफ कहता है कि मरने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो सरकार इसी तरीके से लीपापोती कर रही है, उसके पास रिपोर्ट नहीं है, उसके पास आंकड़े नहीं है, और जनता है कि परेशान है।